2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो उसमें कई ऐसे चेहरे थे जो रिपीट किए, और ना सिर्फ एक बार दो बार बल्कि तीसरी बार भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रिपीट उनको टिकट दिया गया, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगा कि उस जगह से हमारे जो पहले से जो प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा जताना ज्यादा सही रहेगा। ऐसा ही अगर बात कहा जाए फरुखाबाद को लेकर, तो फरुखाबाद के मौजूदा सांसद जो पिछले दो बारों से यहाँ पर सांसद बनते आ रहे हैं, अगर बात कही जाए मुकेश राजपूत जी की, तो इन पर फिर से एक बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश राजपूत जी क्या बीजेपी का भरोसा जीत पाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका टीवी ज्योति हो जाए स्वागत है, ये बताइए सर कि बीजेपी ने फिर से आप पर भरोसा जताया है, तीसरी बार फिर से आपको टिकट दिया, क्या लग रहा है भरोसा जीत पाएंगे? अच्छा ठीक है, ये बताइए सर कि अगर बात कही जाए बसपा और सपा, इन दोनों प्रत्याशियों से मुकाबला कैसा देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में किसी भी टक्कर नहीं है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और प्रदेश में लोकल विशेष टक्कर भी है। एक खासी छोड़ दी माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया चार सौ का, मुझे लगता है जो इस समय पूरा देश मोदी में है और राम है और मोदी जी के साथ है, तो इसलिए मुझे लगता है आप जैसे बताया सर कि 400 जो पार का जो नारा दिया जा रहा है, विपक्ष की बात की जो विपक्ष ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीट तो हासिल नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है, इस पर क्या कहेंगे? जनता की समस्या से जुड़े हुए एक दो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। दिल्ली जाने के लिए एकमात्र एक ही ट्रेन है कालिंदी, जिस पर अगर बात कही जाए उस ट्रेन में सवारियों की अगर बात कही जाए तो इस कदर सवारी उसमें बैठ कर दिल्ली जाते हैं जो देखकर ही एक बहुत अजीब लगता है, शायद कोई जाने से खिंचक जाए, ये समस्या कब दूर होगा सर? प्रयास कर रहा हूँ मैं उसको बैठे में भी हूँ, एक तो दिल्ली के लिए खाली नहीं मिलता है, रेलवे लाइन खाली नहीं है, उस समय बड़ा कनेक्टिविटी है दिल्ली के लिए हर जगह से, तो लेकिन उसी में हम प्रयास कर रहे हैं कोई गाड़ी एक तरीके से चाहे निजामुद्दीन के लिए जाने लगे, आनंद विहार के लिए जाने लगे, नई दिल्ली जाने लगे, कहीं ना कहीं सफर। अगर इस बार जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि ट्रेन चलने लगेगी, जो भी समस्या चल रही है सब दूर हो जाएगी? प्रयास हमारा है बहुत सी हमारी पाइपलाइन में और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान। अच्छा ये बताइए सर, फरुखाबाद काफी ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है आलू के बाद, आलू की बात कही जाए आलू के व्यापार को लेकर, लेकिन सर यहाँ पर आलू से जुड़े कोई भी अगर बात कही जाए तो कोई भी फैक्ट्री नहीं है, ये समस्या कब समाधान होगा, क्योंकि पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरा देश और दुनिया जानता है कि फरुखाबाद में आलू कितने होते हैं, आलू का व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई चिप्स की फैक्ट्री है ना कोई आलू की फैक्ट्री है, और ऐसे में फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ पर रोजगार की कमी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, इस पर क्या कहें? पर आलू आधारित कोई कारखाना नहीं है, भारत सरकार इसमें कोई कारखाना नहीं लगाती फूड प्रोसेसिंग का, कोई कारखाना भारत सरकार नहीं लगा, भारत सरकार सिर्फ सब्सिडी देती है और उसमें भारत सरकार 35% सब्सिडी देती है और 20-25% उत्तर प्रदेश सरकार का नियमित सरकार 25% सब्सिडी देती है, तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि 60% सब्सिडी मिल रही है, इस पे कोई ना कोई जो उद्योगपति है या कोई सक्षम व्यक्ति है कोई इस तरह का लगाएगा, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और एक दो लोगों को पसंद भी आ गया, आगे आने वाले समय में यहाँ पर एक लोग फैक्ट्री लगाने के लिए इच्छुक हैं, उन्होंने अपील कर ली या ग्रहण कर लिया और शीघ्र अगला लोकसभा का चुनाव होगा तो यहाँ कम से कम 2 या 3 फैक्ट्री लगेंगे।
नहीं मिलेगी। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में क्या उम्मीद जता सकती है या फिर जनता क्या उम्मीद जता सकती है फरुखाबाद से? इस बार जो 5 साल अगर आप जीतते हैं तो 5 वर्ष फिर आपको कार्यकाल मिलेंगे, हमें कार्य करने को मौका मिलेगा, पिछले 10 वर्षों से आप करते हैं। इस बार जनता क्या उम्मीद जता है कि कुछ ना कुछ उन्हें हासिल होगा या नहीं होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। आगे भी हमने कहा है कि अपना जो मुझे फरुखाबाद की जरूरी होती है वो नई करोड़ी चर्चा होती होगी फरुखाबाद में, फरुखाबाद से सीधा अपना गंगा एक्सप्रेस में, ये हमारा मुख्य है। और इसके बाद भी बिना पर मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए भी हमारा प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद के ऊपर भी बने। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर एक चिड़ियाघर जो 2000 बीघा जमीन जो है हमारे रमन्ना गुजारवाल में पड़ी है उसमें चिड़ियाघर भी है, और भी यहाँ पर जो घाट हुए हैं जो भी भारत सरकार से है, जो रोड है रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी, सब पर प्रयास मेरा जारी है। यहाँ का जो अपना हवाई पट्टी है उसे भी विकसित कराने का। सर ये तो आपने बता दिया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपकी कोशिश है। 10 वर्षों की बात कीजिए सर, 3-10 वर्षों में आपने क्यों नहीं सोचा कि ये सारी समस्या फरुखाबाद से दूर हो या फिर ये सारी चीजें यहाँ पर आए और लोगों को काफी ज्यादा उत्साह भी रहे, क्योंकि जैसे आपने चिड़ियाघर का भी नाम लिया, एक घूमने का जगह है, बच्चे को या फिर हाजिर नौजवान सबको पसंद रहता है, तो एक पर्यटन स्थल की नजर से उसको देखा जा सकता है। ये सारी चीजें सर मैं जानना चाहूंगी, वो कौन सी ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से बीते 10 वर्षों में आपने ये सारी चीजें ली? जैसे फरुखाबाद जनपद में पहले आप देखिए बिजली नहीं आती, आज बिजली आ रही 220 करोड़ रुपए की इसके लिए लगता है। हम कह सकते हैं एक 400 KV का पावर हाउस ग्रीन एनर्जी का इस सीकर मिल गई है, जिसके लिए जमीन निर्धारित हो गई है देश में, और आगे आने वाले में वो 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में फरुखाबाद एक अपने में आत्मनिर्भर पावर बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि कौन कौन सी ऐसी कमी है फरुखाबाद में जिसको आने वाले अगर ये जीत हासिल कर जाते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव, फिर से फरुखाबाद की जनता इन पर भरोसा जताकर जीत इनको हासिल करा देती है तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात कही जाए लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पे भी इन्होंने बात किया, कहा कि विपक्ष बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, वो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।